हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके तरफ से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है तरनजीत सिंह। उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अदर और अदर्स में क्या फर्क है, यानी हम कैसे जाने कि हमको कब अदर का यूज करना है और कब अदर्स का यूज करना है। यह क्वेश्चन काफी दिलचस्प है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखें कि अदर और अदर्स में क्या फर्क है। सबसे पहले हम अदर के बारे में देखते हैं। अदर इज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, यानी अदर हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है या किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। जबकि अगर हम बात अदर्स की करें, अदर्स इज अ प्रोनाउन नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, तो अदर्स खुद एक प्रोनाउन है और वो किसी नाउन को फॉलो नहीं करता, यानी नो नाउन आफ्टर अदर्स, अदर्स के बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अदर्स खुद एक प्रोनाउन है जो किसी नाउन के जगह पर आता है। आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। These shoes are too small. ये जूते बहुत छोटे हैं। Do you have other shoes? क्या आपके पास कोई दूसरा जूता है? अब फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि अदर के बाद कोई नाउन आया है। क्यों? क्योंकि अदर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है। लेकिन हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, These shoes are too small. ये जूते बहुत छोटे हैं। Do you have others? क्या आपके पास दूसरा है? तो यहाँ others का मतलब है other shoes, यानी दूसरे जूते। यहाँ other का यूज एक प्रोनाउन के जैसे हुआ है और आप देख सकते हैं others के बाद कोई नाउन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि others के बाद कोई नाउन नहीं आता। others का मतलब ही होता है other plus noun। तो फिर कोई चांसेस नहीं है कि आप others के बाद कोई नाउन लिखें। तो फ्रेंड्स, छोटा में आप इतना समझ सकते हैं कि अदर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है क्योंकि अदर किसी नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है, बट अदर्स खुद एक प्रोनाउन है जो अदर प्लस नाउन के जगह पर आता है। आइए फ्रेंड्स, यहां मैं आपको अपनी तरफ से एक और खास बात बताऊं। आइए फ्रेंड्स, देखिए कि अदर और अनदर में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मीनिंग तकरीबन एक होता है और दोनों का मीनिंग होता है दूसरा या कोई अन्य। तो फिर हमको जान लेना चाहिए कि कब हमको अदर का यूज करना है और कब हमको अनदर का यूज करना है। फ्रेंड्स, अदर इज फॉलोड बाय अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। अदर का यूज एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अगर बात हम अनदर की करें तो मैं कहूंगा अनदर इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ अ प्रोनाउन। तो अनदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन या किसी प्रोनाउन के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आप फर्क समझे होंगे कि अदर का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता, जबकि अनदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है या फिर किसी प्रोनाउन के साथ किया जाता है। ही हैज बॉट अदर मोटर बाइक्स। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अदर के बाद एक प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है जो है मोटर बाइक्स। जबकि अगर हम बात इस एग्जाम्पल की करें तो आप यहां देखेंगे ही हैज बॉट अनदर मोटर बाइक, यहां पर अनदर के बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है। तो फ्रेंड्स, अदर और अनदर दोनों में यही फर्क होता है कि अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है जबकि अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छा से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है नईम खान, उन्होंने पूछा कि ब्रिंग और टेक में क्या फर्क है, यानी हम कैसे समझें कि कब हमको ब्रिंग का यूज करना चाहिए और कब हमको टेक का यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा ब्रिंग और टेक दोनों में मूवमेंट होता है, यानी अगर मैं हिंदी में कहूं तो गति होता है या उर्दू में कहूं तो रफ्तार होता है, बट दोनों में फर्क यह है कि ब्रिंग से किसी नाउन की तरफ आने का पता चलता है जबकि टेक से किसी नाउन से अलग होने का पता चलता है। मतलब ब्रिंग का यूज लाने के लिए होता है
जबकि टिक का यूज ले जाने के लिए होता है, जैसे ब्रिंग योर बुक, अपनी किताब लाओ। यहाँ किताब को किसी नाउन की तरफ ले जाना है, जबकि अगर मैं कहूँ टेक योर बुक तो इसका मतलब होता है कि अपनी किताब ले जाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रिंग का यूज लाने के सेंस में होता है, यानी किसी नाउन की ओर आना, जबकि टेक का यूज ले जाने के सेंस में होता है, यानी किसी नाउन से अलग होना। ब्रिंग योर इंस्ट्रूमेंट विद यू, इसका मीनिंग है कि अपना औजार अपने साथ लेकर आना, यानी यहाँ ब्रिंग के यूज से कोई नाउन को पास आने की बात की जा रही है या किसी नाउन को लाने की बात की जा रही है। बट यहाँ गौर कीजिए, टेक योर इंस्ट्रूमेंट विद यू व्हेन यू आर लीविंग, इसका मीनिंग है जब यहाँ से जाना तो अपने औजार ले जाना। तो यहाँ टेक की यूज से कोई नाउन दूर होने की बात की जा रही है, यानी कोई नाउन ले जाने की बात की जा रही है। तो यही फर्क होता है फ्रेंड्स, ब्रिंग और टेक दोनों से मूवमेंट का पता चलता है, यानी गति या मोशन का पता चलता है। बट इनमें फर्क यह होता है कि ब्रिंग मीन्स कोई नाउन लाना, जबकि टेक मीन्स कोई नाउन ले जाना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरे दो सब्सक्राइबर असहर अजहर फारूकी अहमद, आप दोनों ने पूछा कि स्टार्ट और बिगिन का क्या यूज है, यानी कब हमें स्टार्ट का यूज करना चाहिए और कब हमें बिगिन का यूज करना चाहिए, जबकि दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी दोनों का मीनिंग होता है आगाज करना, शुरू करना या प्रारंभ करना। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा यह बहुत आसान कंसेप्ट है। स्टार्ट और बिगिन दोनों सेम मीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी आप दोनों को एक दूसरे के जगह यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक खास बात जरूर है जो आपको जान लेना चाहिए, बिगिन इज मोर फॉर्मल देन स्टार्ट। जो बिगिन है वो स्टार्ट के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा फॉर्मल है, यानी औपचारिक वर्ड है। दूसरा, बिगिन इज एन इररेगुलर वर्ब, और बिगिन जो होता है वह एक इररेगुलर वर्ब होता है, यानी ये रेगुलर वर्ब नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं स्टार्ट इज अ रेगुलर वर्ब, स्टार्ट जो होता है वह एक रेगुलर वर्ब होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आगाज करना, शुरू करना या प्रारंभ करने के लिए आप स्टार्ट और बिगिन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। आमतौर पर स्टार्ट का यूज बिगिन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है राजेंद्र मेहरा। उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अगर हमको कहना हो मद्देनजर रखते हुए तो हम कैसे बोलेंगे। जैसे अक्सर आप कोर्ट में सुनते होंगे, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप बेकसूर हैं और अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है, कैसे बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग इन व्यू, यानी मद्देनजर रखते हुए, जैसे तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग ऑल द विटनेसेस एंड एविडेंस इन व्यू, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, द कोर्ट हैज रीच्ड दिस कंक्लूजन, कि आप बेकसूर हैं और अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है, यू आर इनोसेंट, द कोर्ट अक्विट्स यू विद रिस्पेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसे शेयर जरूर करेंगे। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय।